अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। आई विल कंटिन्यू द चैप्टर विच नेम इज सुपरस्टिशन। इट इज द लेसन ऑफ क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश। नाउ I am going to start with the name of Allah, Bismillahir Rahmanir Rahim. A noted philosopher, Sir Francis Bacon, once said. एक मशहूर फलसफी सर फ्रांसिस बेकन ने एक बार कहा था, द रूट ऑफ ऑल सुपरस्टिशन इज दैट मैन ऑब्जर्व्स व्हेन अ थिंग हिट्स बट नॉट व्हेन इट मिसेस। तमाम तोहम परस्ती की जड़ ये है कि इंसान इस वक्त मुशाहिदा करता है जब कोई चीज़ टकराती है लेकिन जब इससे महरूम हो जाती है। इफ़ यू आस्क एनीवन हु बिलीव्स इन एस्ट्रोलॉजी दे विल इंसिस्ट दैट द स्टार दे आर बोर्न अंडर characterizes them perfectly। अगर आप इल्म नुजूम पर यकीन रखने वाले किसी से पूछते हैं तो वो इसरार करेंगे कि वो जिस सितारे के तहत पैदा हुए हैं वो इनके बेहतरीन खसूसियात हैं। They do not realize they mould their personality to fit the definition of the star। इन्हें एहसास नहीं है कि वो सितारे की तारीफ के मुताबिक अपनी शख्सियत को ढाल देते हैं। We think when something positive happens to us, it is not because of Allah subhanahu wa ta'ala has willed but that specific things have helped in gaining success। हम सोचते हैं कि जब हमारे साथ कुछ मुसबत होता है तो उसकी वजह ये नहीं कि अल्लाह ताला ने इसकी ख्वाहिश जाहिर की है बल्कि इससे इस मखसूस चीज़ों ने कामयाबी हासिल करने में मदद की है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑफ दिस पैराग्राफ विथ मीनिंग। रियलाइज महसूस करना, स्पेसिफिक means khas। Now we are going to the next page। A good example of this is my friend Saad। Iski ek behtareen misal mera dost hai Saad। He once passed a difficult mathematics examination using his father's pen। एक मरतबा इसने मैथ्स का बहुत मुश्किल इम्तिहान पास किया अपने फादर के पेन के साथ, अपने वालिद के पेन के साथ। एट्रीब्यूटिंग हिज सक्सेस टू द यूज़ ऑफ दैट पेन, उसने अपने उस कामयाबी की वजह अपने उस पेन को दी। ही कंटिन्यू टू बिलीव ही could not pass any exam unless he wrote with that particular pen। और उसने ये मानना शुरू करके ये यकीन करना शुरू कर दिया कि वो किसी भी इम्तिहान में तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो इस खास पेन के साथ नहीं लिखेगा। In all of my travels and experience I have come to learn it is not the position of the stars। मेरे तमाम सफ़र और तजुर्बात में मैं ये सीखने के लिए आया हूँ कि ये सितारों की हैसियत नहीं है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द डिफ़िकल्ट वर्ड ऑफ अबाउट दिस पैराग्राफ। देयर इज़ ओनली वन डिफ़िकल्ट वर्ड विच इज़ एट्रीब्यूट। इट मीन्स इसका मतलब है सिफ्ट। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट पेज। Reading with translation। Indeed of
इन डेट ऑफ अवर बर्थ हाउ लेटर्स आर प्लेस्ड अ ब्रोकन मिरर क्रॉसिंग पाथ विद अ ब्लैक कैट दैट डिटरमाइन हाउ थिंग्स वर्क आउट फॉर अस। हमारी पैदाइश की तारीख, नीचे सीढ़ी रखी हुई है, एक टूटा हुआ आईना काली बिल्ली के साथ रास्ते उबूर करने से, जो इस बात का तायुन करते हैं कि चीज़ें हमारे लिए किस तरह काम करती हैं। रेटर इट इज इमेंस ऑफ इमेंस फैथ इन अल्लाह सुबहाना व ताला एंड स्ट्रॉन्ग बिलीव दैट इफ समथिंग फेवरेबल हैपन्स टू अस इट इज ओनली बिकॉज ऑफ अल्लाह सुबहाना व ताला हैज वैलिड इट सो and that if something unwanted happens that too is only because Allah subhanahu wa ta'ala knows best। बल्कि ये अल्लाह सुबहाना व ताला पर हमारा बेपनाह एतमाद है और ये मजबूत एतिकाद है कि अगर हमारे साथ कोई एहसान मंद होता है तो ये सिर्फ होता है क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने इसकी ख्वाहिश की है, और ये कि अगर कोई नापसंदीदा वाकया होता है तो वो भी सिर्फ इस वजह से है कि अल्लाह सुबहाना व ताला बेहतर जानते हैं। बिहाइंड द ब्रोकन मिरर टूटे हुए शीशे के पीछे, वेन एवर आई रिकॉल सलमा आंटी, जब भी मैं सलमा आंटी को याद करता हूँ, आई इन्विशन अ स्प्लैश ऑफ ब्राइट फैब्रिक मोस्टली रेड और ऑरेंज विद इन्यूमरस फ्लावर्स प्रिंटेड ऑन इट। मैं रोशन ताने बाने ज़्यादातर सुर्ख या नारंगी रंग के गुलाब का तसव्वुर करता हूँ जिस पर बहुत सारे फूल छापे हुए होते हैं। शी हैड लार्ज ब्लैक हेयर वॉर्न ऑन टॉप ऑफ हर हेड इन अ बन विद स्पार्कलिंग डेजलिंग बैंगल्स डेंगलिंग फ्रॉम हर एम्पल फर्स्ट। इसके सर के ऊपर बड़े चमकदार चमकदार चूड़ियाँ सर की चोटी पर पहने हुए थे जिनकी कलाई से इसकी लंबाई लपक रही थी। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ दिस पैराग्राफ। देयर इज वन डिफिकल्ट वर्ड इमेंस। इमेंस मीन्स बेहद, वेल, ख्वाहिश, रिकॉल याद करना, इन्विजन तसव्वुर डैजलिंग चमकता हुआ, बैंगल्स चूड़ियाँ डेंगलिंग लटकता हुआ, एम्पल कुशादा। Our today's lecture is over। ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।